शुक्ला जी आए थे उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल जी आएंगे तो इस रिवाइवल हो जाएगा पंजाब में। उन्होंने पिछली बार का एग्जांपल भी दिया था कि पिछली बार जब इलेक्शन थे उससे पहले केजरीवाल जी को खालिस्तान जी के घर में रुके। क्या कहना चाहते हैं सर, मंत्री ऐसी बात सीधे सीधे आपसे कहे? ये बड़े दुख की बात है, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ के झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री जी उलट सुलट आरोप लगाते हैं। ये शो इसीलिए मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुबह से लेके शाम तक वो लोग केवल और केवल बेतुके हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जैसा मैंने कहा कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये इनका जो 70 साल का जो लूट है वो लूट सारी बंद हो जाएगी। इस लूट को SYL किसने करा था? हमने तो करा नहीं। एक मिनट सुनो तो सही, मेरे कुछ स्टैंड ले लेने से अगर ये सॉल्व होता हो तो मैं भी 5 मिनट में आपको स्टैंड करके दे दूंगा और सॉल्व करवा लो। सुनो, यार मेरे को बोलने दोगे तभी तो कुछ बोलूंगा, आप बीच में ही मेरे को रोकोगे तो कैसे बोलूंगा। आप ये किसने करा है, ये SYL बनाना किसने शुरू किया था? अरे यार मेरे को आप मेरे को बोलने देंगे या आप ही अगर बोलना है तो फिर आप लिख लो जो मर्जी लिखना है। अगर आप मेरे को बीच में काटेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने वाला, आप बोल लो आपने जो बोलना है। अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा और मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, चाहे मेरे को 1 घंटा बोलना पड़े। आप बीच में मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको हो सकता है मेरा जवाब पसंद नहीं आए, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ। और आपकी जिम्मेदारी है जो मैं बोलूँ उसको जनता तक पहुँचाए, जनता को पसंद आए ना आए वो उनकी मर्जी है। SYL शुरू किसने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था। बताते हैं कि जब शुरू हुआ था तो फलाने फलाने लोगों को गुड़गांव में फलानी जगह बदले में जमीनें भी मिली थी। तो इन दोनों पार्टी के लोगों ने मिलके इसकी शुरुआत करी थी। और उसके बाद जब ये मामला पॉलिटिकली सेंसिटिव बनता गया, कई सारे ऐसे मौके आए, यहाँ पे कैप्टन साहब की सरकार थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे अकाली भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया? ये आके हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, पंजाब के अंदर कुछ और बोलते हैं, केंद्र के अंदर कुछ और बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और बोलते हैं। ये सॉल्व करना नहीं चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कि केजरीवाल ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया, फलाने ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया। मेरा अपना मानना है कि पंजाब के जो भी अधिकार हैं, पंजाब का जो भी हक है, वो किसी भी हालत में वो हक मरना नहीं चाहिए। उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब का जो भी हक है वो हक मरेगा नहीं। ये इस समस्या का समाधान या तो कोर्ट में और या मिल बैठ के, सब लोगों को मिल बैठ के इसका समाधान लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने से केवल हर चुनाव के पहले SYL पे क्या स्टैंड है जी, SYL पे क्या स्टैंड है जी, ये स्टैंड ले लेने से आप हरियाणा में जाके पूछ लो खट्टर का क्या स्टैंड है, और यहाँ पे पूछ लो बीजेपी का क्या स्टैंड है। आप कांग्रेस से पूछो कि हरियाणा में क्या स्टैंड है और कांग्रेस से पूछो कि पंजाब में क्या स्टैंड है। ये स्टैंड से समस्या का समाधान हुआ है आज तक? हमें समस्या का समाधान करना है कि स्टैंड लेने हैं। केवल और केवल राजनीति हो रही है इस मुद्दे के ऊपर। राजनीति से ना तो हरियाणा का फायदा हो रहा और ना पंजाब का फायदा हो रहा। वो मैंने सुना कल सुखबीर बादल कहते हैं कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है कि पंजाब का पानी सारा दिल्ली ले जाऊंगा मैं। अरे तुम्हारी तरह मैं पंजाब का खजाना लूट के अपने घर और सुखविला नहीं बनाता। केजरीवाल ईमानदार आदमी है। ऐसा कोई हो सकता है कि कोई PIL हो सकती है कि पंजाब का पानी दिल्ली को दे दो जी? कुछ भी बोल देते हैं, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। तो
अमृतसर की सीट पे हमने, जैसे मैंने अभी दो दिन पहले चन्नी साहब के बारे में भी बयान दिया था, हमने सर्वे कराया था, हमने अमृतसर ईस्ट का भी सर्वे कराया और उसमें सिद्धू साहब हार रहे हैं, मजीठा जी हार रहे हैं और मजीठिया जी हार रहे हैं और ये लड़की जीत रही है, और उसका कारण भी बता देता हूँ। हमने इसको भी दो तीन बार सर्वे कराया, लोगों को ये लग रहा है यार लड़की जो है ये अपने में से है। कल को सिद्धू साहब पिछले 5 साल या 10 साल से यहाँ पे है और ना किसी का फ़ोन उठाते, ना किसी से मिलते, किसी को समस्या हो वो उनको अप्रोच नहीं कर सकता। अमृतसर हल्के में एक, ईस्ट हल्के में एक काम नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमें अपने में से एक आदमी चाहिए जिसके सुख दुख में रात को 12-1 बजे जरूरत पड़े उसके घर तो चले जाएं, जी बीमार है इलाज करा दो। ये लड़की इनकी अपनी है, इनकी अपनी बेटी है, अपनी बहू है, तो ये लोग इसको कम से कम पकड़ के इसको अपना काम तो करा लेंगे। वो लोगों को पसंद आ रहा है। जो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि झूठे नहीं, वो आप में जारी, तो आप में नया क्या है? और जो मेंबर पार्लियामेंट है लुधियाना के रवनीत बिट्टू, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमने भेजा वापस बुला लेंगे, तो इस पे आपका टेक क्या? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने बेतुके बयान है, इस पे आपको टेक क्या चाहिए? मतलब मैं देख रहा था वो रवनीत बिट्टू, वो खुद ही हंस रहा था अपने बयान पे जो बयान दे रहा था। सर एक ही केजरीवाल जी राज्यवादी बोल रहे हैं कि हम एक खुलासा करेंगे, आपने जो स्वागत है जी उनका, खुलासा करें, सामने एक सबूत आए तो क्या करेंगे आप? टिकट काट देंगे, वो सीट छोड़ देंगे खाली। सबूत तो दो, सबूत तो दो। मैंने एक ऐसे ही आखिरी मोमेंट पे दिल्ली में एक बार हुआ था, हमने कहा था कि कोई भी अगर गंदा कैंडिडेट होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड का होगा, ये होगा, मतलब झूठे सच्चे केस, तो केस की बात नहीं कर रहा। एक केस में एक आदमी ने साबित कर दिया कि उसने अपनी फलानी फलानी किसी कोई उसने किया था, जो कि साबित हो गया। चुनाव के 48 घंटे पहले हमने उसकी टिकट काट दी थी। दोनों हारेंगे जी, मैंने तो लिख के भी दे दिया। अब कल दो चैन वो, अब बदले में जब वो क्या कहते, जब आप लोगों ने उनसे पूछा जाके, वो क्या जवाब देते? वो यही जवाब दे रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था, देखो जी सुबह से शाम तक आप चन्नी साहब के बयान केजरीवाल 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 ऐसे करते रहते हैं। वो रात को सो नहीं पा रहे, आजकल आंख बंद करते हैं तो भूत की तरह मैं आता हूँ, फिर वो डर के उठ जाते हैं। वो बहुत दिन से नहीं सोए हैं। मैं भगवान से उनकी स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे थोड़ा उनके मन को। आप नशे की बात करते हो सर, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आप दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, गली गली में नशा बिक रहा है, और गुलाबी ठेके की बात कर रही हो, ठेके खुल रहे हैं, दुकानों पे 430 के करीब ठेके का अलॉटमेंट हुआ है। पंजाब में कितनी दुकानें हैं? सुनो सुनो, मैं आपको डेटा तो ले लो यार। अभी दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले एक नई एक्साइज पॉलिसी निकाली है, ये उस एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले खासकर। मैं सारी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ, इसको अच्छे से छाप देना और इसको अच्छे से चला देना, क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह इनके पास कुछ नहीं बचा हमारे खिलाफ कहने को, मतलब साफ हो गई है बीजेपी दिल्ली से। दिल्ली में पहले 850 दुकानें थी शराब की, उसकी समस्या ये थी कि कुछ एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड थी और कुछ एरिया ड्राई थे, वहाँ दुकानें नहीं थी, जिसकी वजह से जहाँ दुकानें नहीं थी वहाँ पे इलीगल दारू बिकती थी। इसको हम बंद करना चाहते थे। टोटल 850 दुकानें थी, आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन में, 4 कमी हुई हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाई हमने। लेकिन हमने क्या किया है कि ये जो 850 दुकानें इधर कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि कोई ड्राई एरिया ना बचे, ताकि इल्लीगल दारू मिलने बंद हो जाए। अब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं। तो सुनो एक बारी, सुन ले यार, सुनने की अरे यार सुन तो लो, मैं आपका पॉइंट नहीं है, उसका पॉइंट तो दूसरा, वो पूरा नहीं हुआ, दूसरों के पॉइंट भी पूरे हो जाने दो यार। तो 850 में से 846 दुकानें खुलनी है, उसमें से अभी केवल 550 ही खुली हैं, बाकी अभी धीरे धीरे खुल रही हैं। ये पूरी कोशिश कर चुके, स्मृति ईरानी आ चुकी दिल्ली में, इनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी इस पे बोल चुके, जनता से इनको दिल्ली में समर्थन ही नहीं मिल रहा। एक मिनट सुन तो जाओ यार, सुन तो लो यार मेरे को। तो इनको कोई जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा।
इतने बड़े बड़े अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, स्मृति ईरानी जैसे लोग अगर वहाँ पे वर्चुअल रैली करी, कहते हैं महाश विशाल रैली, वर्चुअल रैली, जनता में चार आदमी इनकी बात नहीं सुन रहे। जनता अगर नाराज होती, मेरे को तो जनता से लेना देना, दिल्ली की जनता अगर नाराज होती मैं उस पे एक्शन लेता, लेकिन जनता खुश है। सर, पर यात्रा में नशे जो है वंस से आम आदमी पार्टी इज अ डिफरेंट पार्टी, तो नशे के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हो सकते हैं? ये भी तो नशे है, इसको अगर हम चाहे लीगलाइज कर रहे हैं को, आपके हिसाब से पंजाब में कैसे रहेगी? आपके हिसाब से प्रोहिबिशन होना चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जी, मैं तो एक मिनट, केजरीवाल साहब से देखिए, नशे की बात हर एक पार्टी कर रही है, सॉल्यूशन तो आपने कहा कि आप नए सॉल्यूशन देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा, एक होता है शराब, एक होता है ड्रग्स। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि प्रोहिबिशन होना चाहिए देश में? सुनो तो सही यार, मैं बात पूरी कर लूँ, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है, बिहार के अंदर प्रोहिबिशन है। आप कहो वहां पे होम डिलीवरी होती है दारू की, फोन नंबर है, गुजरात में ले लो दारू, खुलेआम बिक रही है, दारू की नदियां बह रही हैं वहां पे, तो सारा स्टेट में इलीगल दारू बिक रही है, सारे बिहार में इलीगल दारू बिक रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जिसने प्रोहिबिशन किया उसके पास जा रहा है। ये सुनो तो, एक मिनट सुन तो लो यार, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, सुनते नहीं हो यार। तो लीगलाइज करना सॉल्यूशन है आपके साथ? मैं सुन तो लो यार। तो जहां तक ड्रग्स का सवाल है, जहां दिल्ली, जब हम पंजाब के अंदर नशे की बात करते हैं, हम ड्रग्स की बात करते हैं, जो इंजेक्शन लगते हैं, जो गोलियां लेते हैं, जो अफीम खाते हैं बच्चे, जो ड्रग्स बिकती है उसकी बात करते हैं। जहां तक लिकर का सवाल है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी आते हैं वहां पे। दिल्ली के अंदर प्रोहिबिशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जितनी पहले दारू बिकती थी उससे कोई बहुत ज़्यादा दारू बिकने लगी है। उतनी दारू है जितनी पहले बिकती थी, लेकिन जो इल्लीगल दारू बिकती थी उसको बंद कर दिया हम लोगों ने। इल्लीगल दारू का सबसे बड़ा खामियाजा यह है कि कल को इल्लिसिट दारू भी बिक सकती है, नकली दारू भी बिक सकती है, उसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ। इस जवाब देने लायक है? मतलब मैं कैसे बनूंगा बताओ, मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। मतलब उनका दिमाग खिसक गया थोड़ा। सर, जो अभी तक राजनीतिक समीकरण है, किसी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पंजाब के हितों के लिए आम आदमी पार्टी को बहुमत करना पड़े, गठबंधन करना पड़े, तो किस पार्टी का साथ करेंगे? आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों के सर्वे में 60-65 सीट आ रही है, इसका मतलब सरकार तो बन रही है आम आदमी पार्टी की। मैं आपका सर्वे मानता हूँ। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूँ, भाई सरकार तो बना रहे हो, लेकिन मजबूत सरकार बनाना, भगवंत के हाथ मजबूत करना। 80 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। तो 3-4 दिन बचे हैं, 3-4 दिन में अब सारे जने पंजाब में, जितने लोग मेरे को आज सुन रहे हैं, सारे जने अपना अपना फ़ोन उठाओ, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करो, सारे दोस्तों को फ़ोन करो और बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है। अपने पिंड में घर घर जाओ और बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है। और आखिरी दिन, चुनाव वाले दिन, किसी ने घर नहीं बैठना, एक एक वोट पड़ने चाहिए, एक एक वोट जरूरी है। अगर पंजाब का हर आदमी वोट डाल देगा, आम आदमी पार्टी की 80 सीट आ जाएगी। साडा हर एक प्रोग्राम देखने ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो बनेरा टीवी, अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करो।